हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैबलो शैम्पू। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये हर्बल, बिल्कुल हर्बल है, बिल्कुल आयुर्वेदिक शैम्पू है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या काम करता है, क्या इसके डोजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और क्या इसका कितने बार ये यूज़ किया जा सकता है आपका, और क्या क्या फ़ायदे देगा। सो वीडियो में बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पे जाके फॉलो करना इसे। हम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं सैबलो शैम्पू के, ये क्या क्या काम करता है, इसके यूज़ेस क्या हैं। अगर आपके बालों में बाल झड़ रहे हैं जैसे कि, या आपके में डैमेज हो रहे हैं बाल, या बाल स्ट्रेट नहीं है आपके, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम जो आती है आपके बालों में, या फिर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहे हों, या फिर आपका बिल्कुल इचिंग सी हो रही हो बालों में डैंड्रफ की वजह से, वाइट वाइट हो रहे हो अंदर, तो उसके लिए ये बहुत यूज़ करा जाता है। और इसका रफनेस होता है, जैसे कि डेली आप शैम्पू नहीं करते हैं तो आपके रफ़ रफ़ बाल रहते हैं, खिले खिले नहीं रहते, सिल्की से नहीं रहते, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। और जैसे बाल आप काटते हैं डेली, थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन बाल आपके टूटते हैं, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अपने बालों को कोई डैमेज नहीं देना चाहता, अगर बाल बढ़ाना चाहता है, लॉन्ग है, लॉन्ग करना चाहता है हेयर को, उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। और जिसके दो मुँह बाल होते हैं, जैसे दो बाल आ जाते हैं, एक बाल में दो मुँह निकल रहे होते हैं, उसके लिए भी अच्छा रिजल्ट माना गया है इसका। बहुत बढ़िया शैम्पू है, आयुर्वेदिक है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। बट साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसका साइड इफ़ेक्ट हर्बल प्रोडक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो इचिंग सी हो सकती है या बाल टूट सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये आपका देखा जाता है तो इसे जब भी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपको ये सूट नहीं कर रहा है, तो आप और कोई सा शैम्पू यूज़ करिए। बट जिसे ये सूट कर रहा है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हम बात करते हैं इसके लगाने के लिए, कैसे कैसे इसे लगाएंगे। आप इसे क्या करना है, आप जैसे हफ्ते में दो तीन बार इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले हफ्ते में अगर आप धो रहे हैं तो पहले बाल को गीला कर लेना है, उसमें से थोड़ा सा शैम्पू निकालना है, थोड़ा सा पानी लेना है, तो कम से कम ज़्यादा झाग बन जाएंगे, तो अच्छे से रब करना है सर में, अच्छे से मालिश जैसे करते हैं ना उस तरह से करना है, पूरा डैंड्रफ को निकाल देना है अंदर से, पूरे हेयर पे इसे ऐसा लगाना है, जैसे पूरे में 10 से 15 मिनट कम से कम इसकी मसाज करना है बालों में और सर में, उससे डैंड्रफ भी जाएंगे आपके, और आपको इचिंग होनी भी बंद हो जाएगी, आपकी जो इचिंग सी होती है वो भी बंद हो जाएगी आपकी, और आपके डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे, लॉन्ग हेयर हो जाएंगे, लंबे लंबे बाल हो जाएंगे आपके, डेली जो डैमेज गिरता है वो भी रफनेस से भी ख़त्म हो जाएगी, सिल्की हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक पहले बार में ही आपको रिजल्ट अच्छा दे दे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, इसमें टाइम लगेगा। और बात की जाए इसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मेहंदी है, रीठा है, नीम है, भृंगराज है, पुदीना है, ये सारी इसमें इंग्रेडिएंट अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है, तो ये सारी नेचुरल है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। सो आप इसे 1-2 महीने यूज़ करिए, जब आपको पता चल जाएगा कितना केयर वो है, बिल्कुल कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। सो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।